हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट के नए क्वेश्चन लेके हम आपके सामने पेश हो गए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी कहाँ है। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी कहाँ है? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी कहाँ है? खड़कवासला में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ है? स्पोर्ट यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या पुणे? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर, नर्मदा नदी पर या कावेरी नदी पर? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, विष्णु शर्मा? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर है? कील नहर, स्वेज नहर, पनामा नहर या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कील नहर, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है? कावेरी नदी, महानदी, गोदावरी या ताप्ती? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? रावी नदी, सतलज, झेलम या चिनाब? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झेलम नदी के किनारे पर स्थित है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमपेंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विद्युत रेलवे स्टेशन खोली गई थी 1853 में, 85 में, 1905 में या 1925 में? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जनगणना 2001 के अनुसार, यानी जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका सबसे कम आबादी वाला घनत्व है? मणिपुर, मेघालय, नागालैंड या मिजोरम? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? 1 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर या 10 लीटर? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 लीटर, यानी 6 लीटर कितनी किसकी मात्रा होती है बॉडी में? दोस्तों, वो होती है यानी 5 से 6 लीटर होती है ब्लड की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था? दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने हेनरी द्वारा, आर्स्टेड द्वारा, और दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, और ऑप्शन है फेराडे द्वारा या वोल्टा द्वारा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेराडे द्वारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन इकाई है किसकी इकाई है? संयोजी ऊतक का, पेशी ऊतक की, एडिथीलियम ऊतक का या तंत्रिका ऊतक की? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका ऊतक का, न्यूरॉन जो इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? एस चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना, सी वी रमन या एस रामानुजन? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस चंद्रशेखर द्वारा ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? चैतन्य ने, नानक ने, सूरदास ने, वल्लभाचार्य ने? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शासी राजवंश को किसने स्थापित किया? वसुमित्र, कल्लर या जयपाल और महिपाल? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिपाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था मुगलों से, अफगानों से, ईरानियों से या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थी? जीएल नेहरू, एमएल राय, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थी? कुषाण, पांड्य, सातवाहन या सुंग?
दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोंग थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया, अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन या उदय। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों बिंबिसार के शासनकाल में महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर महल कहाँ स्थित है, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा किला में या सिकंदरा में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा किला में जहांगीर महल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 में ही सारनाथ में बुद्ध का प्रथम वचन क्या कहलाता है, यानी प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक या धर्मचक्र प्रवर्तन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो सारनाथ में बुद्ध ने जो प्रथम प्रवचन कही थी उन्हें दोस्तों धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है यानी 23वां क्वेश्चन है, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था बेंगी में, मदुरई में, कांचीपुरम या महाबलीपुरम में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदुराई यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह सही क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों यानी देख लेते हैं, हूण, कुषाण, आर्य और यूनानी। दोस्तों किन्होंने मतलब ये क्रम से आक्रमण भारत पर किए थे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये जल्दी से देख लेते हैं हम। दोस्तों सबसे पहले आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया, फिर किया था यूनानियों ने, फिर किया था दोस्तों कुषाणों ने, फिर किया था हूणों ने। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिथाक्षरा किसने लिखी थी, नयचंद्र, अमोघ वर्षा, विज्ञानेश्वर या कंबन ने। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था, चालुक्य छापों के, ग्रीक आक्रमण के, हूण आक्रमण के या पल्लव छापों के। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हूण आक्रमण के इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था, कामरूप, बस्ता, गौड़ या बल्लभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गौड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिल्याबाई रानी थी ग्वालियर की, मालवा की, जयपुर की या बीजापुर की। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर की। दोस्तों अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी, ग्वालियर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है, मोरिश यात्री यानी इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था, दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, फिरोजशाह तुगलक, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों किसके शासनकाल में मोरक को भारत आया था, यानी इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं, कृषि, पशुपालन, व्यापार या शिकार। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश की बादशाह द्वारा बनवाई गई थी, गुप्त, चोल, पल्लव या कुषाण। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पल्लव वंश के द्वारा दोस्तों बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, कलकत्ता एवं आगरा के मध्य टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी 1852 में, 1853 में, 1854 में या 1855 में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1852 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रेडियो धर्मी जिसे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, जल्द ही वो भी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होने वाली है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।